Hi everyone, welcome to my YouTube channel pre-office training program for architecture and interior with architect Nitya Singh. This is my lecture 4. Lecture 3 में जो drawing बनाई थी उस drawing पे चलते हैं हम. अपनी drawing को हम two types से open कर सकते हैं, या तो ये desktop पे जो CAD का shortcut की पड़ा है इस पे हम double click करेंगे तो CAD की ये drawing open होके आती है. ये welcome page CAD का आता है. इसमें हम रीसेंट डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे और ये प्लान जो हमने ड्राइंग सेव की थी लास्ट टाइम में वो आप यहाँ पे शो हो रहा है. आप इस पर क्लिक करना तो ये प्लान आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है. या फिर दूसरा तरीका ये है कि हमने एक शॉर्टकट की बनाई थी अपने फोल्डर की, लास्ट लेक्चर में बताया था आपको. इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो भी ये आपकी ड्राइंग, आप सीधे अपनी ड्राइंग पे आ जाते हो. जो कि हमारे दिस पीसी में डी ड्राइव में आर्किटेक्चर नाम से हमने फोल्डर बनाया था उसके अंदर सेव है. अब यहाँ पे देखोगे तो दो आइकन्स आपको दिख रहे होंगे. तो इसके टाइप में अगर हम देखेंगे तो ऊपर वाला बैक फाइल दिखा रहा है और नीचे वाला DWG फाइल दिखा रहा है. तो हमें DWG फाइल पे जाना है. बैक फाइल का हम तब यूज करते हैं जब किसी वजह से हमारी ड्रॉइंग अपने फोल्डर में ना शो हो रही हो या किसी वजह से ड्रॉइंग क्रैश हो गई हो, तो हम बैक फाइल से न्यू ड्रॉइंग क्रिएट कर सकते हैं. तो अभी हम DWG ड्राइंग पे जाते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो भी हम अपने ड्राइंग पे आ जाएंगे. आ गए हम अपनी ड्राइंग पे. लास्ट लेक्चर में इन दोनों रूम्स के डायमेंशन किए थे और डायमेंशन की सेटिंग बताई थी, ठीक है. अब आज हम इस पे वॉल लगाएंगे, इस रूम को प्रॉपर बनाएंगे. तो इसके लिए पहले डायमेंशन को हमें ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है ना. तो हम डायमेंशन को या तो डिलीट कर देते हैं या ऑफ कर देते हैं. अब देखो लेयर में वर्क करने का क्या फायदा होता है, हम इस डायमेंशन को ऑफ करना बताएंगे. तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से टाइप करना LAYOFF और एंटर करना और फिर आप इस डायमेंशन पे जाके और क्लिक कर देना. ये पूछता है कि यहाँ पे AR डायमेंशन आपका करंट लेयर में शो हो रहा है, करंट लेयर में आपने वही पिक किया हुआ है, तो भी क्या हम इसको ऑफ कर दें, ये पूछ रहा है, ठीक है ना. यहाँ पे आप कमांड बार पे देखोगे ना तो ये आपसे पूछ रहा है AR डायमेंशन इज करेंट, डू यू वांट टू टर्न इट ऑफ. तो आप इसको ऑफ करना चाहते हो तो आप इसे यस कर दो और ये ऑफ हो गया है. अब प्रॉब्लम ये होगी क्या आप कुछ भी लाइन ड्रॉ करोगे या कुछ भी काम करोगे ना तो आपको शो नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये वाली लेयर आपकी ऑफ है. तो हम क्या करेंगे, हम अभी दूसरी लेयर पिक कर लेंगे. डायमेंशन की अभी हमें कोई जरूरत वैसे भी नहीं है, ठीक है. तो हम इसमें AR वॉल ले लेते हैं और इसका हमें वॉल बनाना है. कैसे वॉल बनाएंगे, ये हमने जो स्क्वायर बनाया था वो लाइन कमांड से बनाया था और इधर रेक्टेंगल कमांड से बताया था. अभी लाइन कमांड वाला पहले हम बताते हैं, उसके बाद रेक्टेंगल कमांड में कैसे करते हैं वो बताएंगे. तो इसके लिए हमें ऑफसेट कमांड लेना होगा. हमें वॉल लगानी है इसकी रूम की चारों तरफ, तो इसके लिए ऑफसेट कमांड लेना होगा. तो आप क्या करना, आप इसका यूज ना यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है. इस मॉडिफाई में भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आप कोशिश करो कि सारा कुछ आप ना बिल्कुल हैंडी रखो, ठीक है. कीबोर्ड से आप टाइप करो और शॉर्टकट की सबके याद कर लो. इससे क्या होगा ना, फास्ट ड्राफ्टिंग करना सीख जाओगे. तो हमें ऑफसेट लेना है, हम सबसे पहले ओ एंटर करेंगे, ठीक है. कीबोर्ड पे टाइप करना ओ एंड देन एंटर करना. तो एंटर करने के बाद यहाँ पे कमांड लाइन पे आप देखोगे तो ये आपसे पूछता है कितना डिस्टेंस लें, ऑफसेट में कितना हम डायमेंशन डालें, ठीक है. तो जो वॉल बनाते हैं हम रूम का वो 230 की वॉल अभी लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है. तो 230 आप यहाँ पे इसको डायमेंशन बता दो और एंटर कर दो. और फिर अब हमें इसका ऑफसेट करना है वॉल का, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस लाइन को और नीचे अगर क्लिक कर देते हो तो आपको रूम के अंदर की साइड में वॉल पिक कर लेगा, है ना. लेकिन हमें रूम के बाहर साइड में वॉल दिखाना है तो हम बाहर की तरफ ऐसे यहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे बाहर, ठीक है ना. फिर हमें इधर भी देना है, अभी हम कमांड से बाहर नहीं निकले हैं, हम फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे और बाहर की तरफ ऐसे क्लिक कर दो. फिर इस वॉल पे क्लिक करो, बाहर की तरफ ऐसे क्लिक कर दो. इस वॉल पे क्लिक करो और बाहर की तरफ क्लिक कर दो, ठीक है. चारों तरफ आपकी वॉल बन के आ गई है. इस लाइन का हमने ऑफसेट लिया है, ठीक है. तो जितनी भी ये लेंथ की लाइन है सेम उतनी लेंथ की ये लाइन भी आएगी. 230 डिस्टेंस पे ये लाइन आपकी इसके पैरेलल शो हो रही है.
अब यहाँ पे कॉर्नर जब हम देखते हैं तो इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो कोई भी चीज मॉडिफाई करने के लिए हमें मॉडिफाई पैनल पे जाना होता है, और इसमें देखोगे ना तो सारे ही कमांड्स आपको दिख रहे होंगे, लेकिन सबके शॉर्टकट की याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ, तो अभी हम इसको फिलेट करेंगे। अभी जो ऑफसेट कमांड हमने लिया था ना, वो देखो यहाँ पे ये शो हो रहा है ऑफसेट। अब हम फिलेट करने जा रहे हैं, तो वो भी आप देखोगे तो यहाँ पे मॉडिफाई में आपको दिखेगा। या तो यहाँ से ले लो या फिर अपने कीबोर्ड से F एंटर करना। F एंटर करने के बाद ये पूछेगा कि कौन कौन सी लाइंस को आपको फिलेट करना है, वो सिलेक्ट करो। तो आप इसको क्लिक करो और इसको क्लिक करो, तो ये देखो यहाँ पे कॉर्नर आपका फिलेट हो गया। वैसे ही चारों कॉर्नर्स को हमें फिलेट करना है, तो हम सिर्फ आप दोबारा कमांड में नहीं जाएंगे, एंटर करना तो वो कमांड अपने आप ले लेगा। ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, फिर एंटर किया, फिर ये क्लिक किया, ये क्लिक किया, फिर एंटर किया, फिर ये क्लिक कर दो और इसको क्लिक कर दो। चारों कॉर्नर्स आपके फिलेट हो गए हैं। अब ये प्रॉपर आपका रूम और रूम के चारों तरफ की वॉल्स बन गई हैं। ठीक, अब ये हुआ लाइन कमांड से जो हमने बनाया था। अब रेक्टेंगल कमांड में ये चीजें काफी इजी हो जाती हैं। अब इसमें भी हम 230 वॉल लेंगे, तो कैसे लेंगे, वो एंटर, ठीक है, और 230 ऑलरेडी सिलेक्टेड है यहाँ पे आप देखोगे ना, क्योंकि अभी हमने 230 ही डाला था डायमेंशन यहाँ पे, तो अभी 230 की वॉल ही बनेगी। तो सिर्फ एंटर प्रेस कर दो। उसके बाद यहाँ पे लाइन पे क्लिक करना और बाहर की तरफ से ऑफसेट कर देना। देखो एक बार में आपका चारों तरफ का वॉल बन गया है ना। तो ये लाइन कमांड में कितना सारा टाइम भी हमारा वेस्ट हुआ, और कितने सारे हमारे कमांड्स भी हमें डालने पड़े। और रेक्टेंगल कमांड से क्या हुआ, आपका तुरंत तुरंत वॉल बन गई, रूम बन गई, है ना। तो जो भी मेथड आपको सही लगे आप उससे रूम बनाना। मैं हमेशा रेक्टेंगल कमांड यूज करती हूँ, जिससे टाइम सेव होता है। और इन दोनों ही रूम्स में हमें डोर लगाना है, तो डोर हम इस कॉर्नर पे लगाएंगे, 1 मीटर का डोर लगाएंगे इस पे, ठीक है। तो 1 मीटर का डोर लगाने के लिए ये जो वर्टिकल लाइन आ रही है, इसको इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक्सटेंड करना पड़ेगा पहले। तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इस पे क्लिक करो और ये ब्लू लाइन, ब्लू जो डॉट है इसको उठा के और यहाँ पे ला के रख दो, तो ये एक्सटेंड हो गया। दूसरा एक और ऑप्शन है, तो इसको हम पहले अंडू कर लेते हैं कंट्रोल जेड से, ठीक है, कंट्रोल जेड प्रेस करोगे तो वापस अंडू हो गया। उसके बाद एक्सटेंड कर लेंगे, तो एक्सटेंड करने के लिए ई एक्स अपने कीबोर्ड से टाइप करना और दो बार एंटर प्रेस करना, ठीक है। और यहाँ पे आप जाओगे तो अपने आप ही आपको दिखने लगेगा कि यहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है, क्लिक कर दो इस पे जाके, एक्सटेंड हो गया ये। अब 1 मीटर की दौड़ कट करने के लिए यहाँ से हमें लेफ्ट हैंड साइड में 1 मीटर का ऑफसेट करना होगा, तो उसके लिए ऑफसेट करने के लिए ऑफसेट कमांड, तो वो एंटर करेंगे और कितने का दौड़ बना रहे हैं, 1 मीटर का। तो अब हम 1000 टाइप कर लेंगे, एंटर कर देंगे और इस लाइन को सेलेक्ट करके लेफ्ट हैंड साइड में ला के छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आपका दोनों लाइन आ गया पैरेलल। अब इसके बीच के जो भी लाइंस हैं एक्स्ट्रा, इसको ट्रिम कर लेते हैं। ट्रिम करने के लिए ट्रिम कमांड होता है, ये यहाँ पे मॉडिफाई में भी सब आपको दिखेगा। ट्रिम कमांड है, फिलेट कमांड है, रोटेट कमांड है, मेरा स्केल, स्ट्रेच, कॉपी, मूव, ठीक है ना। तो ये सारे आप यहाँ से भी पिक कर सकते हो, लेकिन इसका शॉर्ट कमांड अगर शॉर्टकट की आप यूज करोगे तो ज्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। तो अभी हमें ट्रिम करना है इसको, तो ट्रिम करने के लिए कीबोर्ड से टाइप करना TR और इसके लिए भी दो बार एंटर प्रेस करना। तो दो बार इसको एंटर प्रेस करते हैं, ये लाइन को ट्रिम किया, इस लाइन को ट्रिम किया, इस लाइन को भी ट्रिम कर दिया, है ना, ट्रिम हो गया। ये 1 मीटर की ओपनिंग मिल गई हमको। अब इस रूम में तो इजीली हमें कर लिया, इस रूम में देखें क्या होता है। इस रूम में ये एक्सटेंड नहीं होगा क्योंकि ये एक स्क्वायर है ना। अगर आप इसको चाहो कि लाक इस पे रखो तो ये देखो ऐसे कुछ आएगा, ये पूरी लाइन सी ऐसे ड्रैग हो जाएंगी। तो आप इसको अंडू करते हैं, पहले कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं, अंडू हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें हम कैसे रूम कैसे हम डोर लगाएंगे, इसके लिए इन दोनों ही स्क्वायर को हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एक्सप्लोर करने के लिए जो शॉर्टकट की होता है वो होता है एक्स, तो अपने कीबोर्ड से टाइप करना एक्स और उसके लिए उसके बाद एंटर करना। फिर ये पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो आप ड्रैग करके यहाँ पे क्लिक करना पहले,
ट्रैक करना और दोनों लाइंस को ऐसे सेलेक्ट कर लिया, कर लिया ना, ये पूरा सेलेक्ट हो गया क्योंकि ये पूरा पूरा स्क्वायर है। इसके बाद एंटर कर देना, एंटर करते ही ये लाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे आप इसका आपने डोर कट किया है वैसे इसका भी डोर कट कर लो। फिर हम ई एक्स डबल एंटर, इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया। फिर ओ एंटर, ऑफसेट किया 1000 का 1000 और एंटर, यहाँ पे क्लिक किया, इधर जाके क्लिक कर दिया और फिर ट्रिम कर लेंगे। टी आर डबल एंटर, इसे ट्रिम किया और इन दोनों को साथ में ट्रिम करना है तो यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो ड्रैग करके, ठीक है, ट्रिम हो गया। दोनों ही रूम्स में आप अपडोर लगा सकते हो 1 मीटर का। अब विंडो के लिए भी हम कुछ मान लो कि 3 मीटर का अगर रूम है, 3 मीटर बाय 3 मीटर का, तो यहाँ पे हम 1.5 का एक विंडो लगा लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 1.5 का विंडो अगर हमें लगाना है यहाँ पे सेंटर से लगाना है, तो उसके लिए एक लाइन कमांड से मतलब लाइन लेना, लाइन ड्रॉ करना, पहले लाइन कमांड लेके एल एंटर, और इसका सेंटर कहाँ से आएगा, आपने थोड़ा सा आगे माउस को अपने इसी लाइन पे ऐसे ड्रैग करोगे ना, तो ये देखो अपने आप से यहाँ पे सेंटर इसने मिड पॉइंट ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे ऊपर जा करके एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको। तो लाइन ड्रॉ अभी देखो आपका ना ऑर्थो मोड ऑफ है, ये देखो यहाँ पे ये ऑर्थो मोड आपका ऑफ है, तो इसे ऑन करोगे ना तो ये स्ट्रेट लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। या फिर कई बार होता है, कई रीजन होता है कि हमें बार बार ऑर्थो को ऑफ करना पड़ता है, ऑन करना पड़ता है, तो एक लाइन ही जो ड्रॉ करनी है आपको, तो आपको बार बार इसे ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है, शिफ्ट प्रेस करना और आप यहाँ पे लाइन स्ट्रेट आ गई ड्रॉ कर सकते हो। एस्केप कर लो, कमांड से बाहर आ गया, एक लाइन ड्रॉ हो गई आपकी। अब इसके बाद हमें 1.5 मीटर का अगर विंडो बनाना है तो उसके लिए ये सेंटर लाइन हमने ले लिया है। अब इससे 750 इधर ऑफसेट कर लेंगे, 750 इधर ऑफसेट कर लेंगे, करते हैं ओ एंटर और 750 आप डायमेंशन डालना, एंटर करना, यहाँ पे क्लिक करना और इधर क्लिक, फिर यहाँ पे क्लिक करके इधर क्लिक, ठीक है, सेंटर लाइन को डिलीट कर दो, आ गया। देखो लीनियर कमांड हम यहाँ से लेकर के और एक डायमेंशन यहाँ से देख लेते हैं। 1500 का विंडो का ओपनिंग हम कट करने जा रहे हैं, इसे डिलीट कर दो, जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमें ट्रिम करना है, ठीक है, दो तरीके से बनाएंगे हम विंडो, ठीक है ना, विंडो हम लगा के दिखाएंगे भी आपको दो तरीके से। पहले हम ट्रिम कमांड लेते हैं, टी आर डबल एंटर, और इन सबको ट्रिम कर दिया, ये स्पेस आ गई हमारे पास। अब इसमें भी हम वही कर लेते हैं, पहले लाइन कमांड लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर से, ठीक है, इसके इस सेंटर से इसके सेंटर तक, उसके बाद 750 का ऑफसेट लेते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है, सेंटर लाइन को डिलीट कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने पूरा पूरा ओपन कट कर लिया है। यहाँ पर हम इन दोनों ही लाइंस के बीच की लाइन को ब्रेक कमांड से ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। तो ब्रेक कमांड के लिए आप टाइप करना बी आर और सिंगल एंटर, ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछेगा किस लाइन को आपको ब्रेक करनी है, तो आपको इस लाइन को ब्रेक करनी है, ठीक है, तो इस पे आपने क्लिक कर दिया, फिर पूछेगा कि कहां से ब्रेक करनी है, ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट भी आपको देना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो। सेकेंड पॉइंट मतलब इस वाली जो वर्टिकल लाइन है, यहाँ से हमको इसको ब्रेक कर देना है, ठीक है। फिर से आपने एंटर किया और क्या किया, नीचे की लाइन पे क्लिक कर दिया कहीं पे भी और इधर क्लिक कर दिया। फिर दोबारा हमने एंटर ले लिया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, फिर दोबारा एंटर लिया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया। ये लाइन थोड़ी सी आगे निकल गई है, इसको हम फिलेट कमांड से फिलेट कर लेते हैं, और जो ये लाइंस ब्रेक हो चुकी हैं, इनको भी हम इनसे लाके फिलेट कर लेते हैं। तो फिलेट के लिए क्या करते हैं, F एंटर, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और ये फिलेट हो गया, फिर एंटर, इसे और इसे फिलेट कर दिया, इधर भी गए सेम, यहाँ पे और यहाँ पे फिलेट, यहाँ पे और यहाँ पे फिलेट, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे ये दोनों जो लाइन्स है ये इन लाइन्स से अलग हो चुकी है, ठीक है। अब इनमें हम विंडो लगाएंगे,
तो विंडो के लिए पहले इस वाले रूम पे आते हैं, इसमें लाइन कमांड लेंगे, लेकिन लेयर पिक करने के बाद, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले यहाँ पे AR सेल की लेयर लेते हैं और एक लाइन लेते हैं लाइन कमांड से। यहाँ लाइन फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपने पिक किया और सेकेंड पॉइंट इसको पिक किया, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लिया यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गई विंडो की सिल। अब इसके बाद यहाँ पे हमें बीच में ग्लास लगाना है विंडो के लिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑफसेट लेंगे और 100 का ऑफसेट ले लेते हैं। यहाँ से अंदर की तरफ ऑफसेट और यहाँ से ऊपर की तरफ ऑफसेट, तो ये बीच में आपकी विंडो आ गई। अब ऑफसेट लिया है तो ये जो ऑफसेट लाइन होगी वो इसी लाइन की प्रॉपर्टी के साथ ऑफसेट होती है, उतनी ही लेंथ उसी लाइन वेट उसी लेयर में, ठीक है। तो इसको हम अलग से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से लेयर में जाएंगे और यहाँ AR विंडो में इसको डाल देंगे, ठीक है। ये हमारा विंडो बन गया 1.5 मीटर, ठीक। अब यहाँ पे कैसे विंडो बनाएंगे, यहाँ पे हमने इसी लाइंस को ब्रेक कर लिया है, तो कुछ नहीं करना, इसको बस ऐसे सेलेक्ट करना और यहाँ से लेयर में जाना और AR सेल में डाल देना, या फिर अंडू करके दिखा दी हूँ और क्या कर सकते हैं हम इस सेल से, इसको हम मैच करा सकते हैं। मैच जो मैच प्रॉपर्टी होती है ना, वो इस लेयर की प्रॉपर्टी को इस लेयर में डाल देगी इस लाइन में। तो मैच प्रॉपर्टी आप यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज में जाओगे तो मैच प्रॉपर्टी यहाँ पे दिख रही है, या फिर इसका एक शॉर्टकट की होता है MA एंटर, मैच कमांड आ जाएगा इसमें। उसके लिए आप इसका इस लाइन को सेलेक्ट करना कि इससे मैच कराना है हमको, किसको कराना है, इसको मैच कराना है, तो इसे सेलेक्ट कर लिया और इसको सेलेक्ट कर लिया, ये दोनों हो गया सेल में। अब फिर इसका विंडो लगाना है हमको, तो विंडो फिर ऐसे ही ऑफसेट करके लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे लगा हुआ है तो हम सीधा सीधा यहाँ से CO एंटर करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके और कॉपी कर लेंगे इसको, ठीक है ना। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की होता है CO एंटर, या फिर अभी मैंने बताया था मॉडिफाई पे जाओगे तो यहाँ पे कॉपी कमांड है, यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हो। कॉपी हो गया हमारा, दोनों विंडो लग गए, ठीक है ना। अब डोर हम बाद में लगाएंगे, कुछ और तरह के रूम्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, फिर साथ में सबका डोर लगाएंगे। एक सर्कुलर रूम लेते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, सर्कल कमांड लेंगे। सर्कल कमांड लेने के लिए या तो ड्रॉ पैनल में जाना और यहाँ से कमांड पिक कर सकते हो, सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, या फिर एक शॉर्टकट की है उसका सर्कल का सी एंटर, वहां से भी सर्कल आप बना सकते हो। इन दोनों सर्कल को डिलीट करते हैं क्योंकि हमें एक 3 मीटर का सर्कल ड्रॉ करना है, 3 मीटर डाया का, ठीक है। उसके लिए हम सबसे पहले वॉल लेयर में जाते हैं क्योंकि हमें रूम बनाना है, तो रूम की वॉल ही सबसे पहले बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ पे हमने लेयर पिक कर लिया AR वॉल, अब सी एंटर किया सर्कल लेने के लिए। इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ करने हैं, ठीक है। क्लिक किया, इधर गए तो हमें यहाँ पे ना कुछ कमांड लाइन पे हम देखेंगे तो ये रेडियस इसका पूछ रहा है कि कितना लें, ठीक है। स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल और डायमीटर, या तो आप रेडियस दे सकते हो या आप डाया दे सकते हो, तो सेम आप सर्कल बना सकते हो उससे। अभी रेडियस इसने पिक किया हुआ है, तो रेडियस अगर हमें 3 मीटर का ये सर्कल बनाना है, इसका रेडियस कितना हुआ, इसका रेडियस 3 मीटर का हाफ यानी कि 1.5 मीटर। हम MM में ड्राइंग बना रहे हैं तो 1.5 मीटर मींस 1500 mm, तो हम यहाँ पे डाल देंगे डायमेंशन 1500 और एंटर कर देंगे। ये आपका सर्किल बन गया 3 मीटर का। अगर देखना है कि 3 मीटर इसका डाया है या नहीं, तो यहाँ से आप कमांड ले लो लीनियर डायमेंशन का और यहाँ पे आप यहाँ और यहाँ पे ऐसे देख सकते हो 3 मीटर का ये डाया है आपका, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन है सी एंटर किया, यहाँ पे क्लिक किया, थोड़ा आगे जाके ये देखो डायमीटर आ रहा है, इस पे क्लिक करो और फिर डायमीटर में 3000 डाल दो, एंटर कर दो, तो भी सेम सर्कल ड्रॉ हो जाएगा 3 मीटर डाया का। डिलीट कर देते हैं इसको, इसको भी जरूरत नहीं है। अब ये 3 मीटर का हमें सर्कुलर रूम मिल गया है, इसका वॉल बनाना है तो उसके लिए ओ एंटर ऑफसेट, ठीक है, 230 डायमेंशन देना है, एंटर करना है।
इस लैंड को, इस जो भी सर्कल है इसको सिलेक्ट करेंगे और बाहर की तरफ क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा 230 का वॉल बन के आ गया है। अब इसमें डोर लगाना है और विंडो लगाना है, तो सर्कल में डोर और विंडो कैसे लगाते हैं ये आप देखते हैं। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करना है, सबसे पहले लाइन ही ड्रॉ करते हैं सेंटर निकालने के लिए। एल एंटर करना, और अभी हमें सर्कल का कहीं पे भी सेंटर नहीं दिख रहा है, ठीक है, नहीं दिख रहा है ना। जैसे ही हम इस सर्कुलर लाइन पे आते हैं तो इसका सेंटर शो करने लगा। अब यहां से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, शिफ्ट प्रेस करना और स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब 1 मीटर का हमें डोर बनाना है, तो ऑफसेट करना 500 इधर और 500 इधर। अब इस सेंटर लाइन को हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर दिया, और एक्स्ट्रा जो भी लाइन्स आ रही है उनको ट्रिम करना है, TR double enter, ट्रिम ट्रिम एंड ट्रिम। 1 मीटर की डोर के लिए हमें स्पेस यहाँ पे मिल गया। अब इस रूम में हम एक विंडो लगाएंगे जो कि कर्व विंडो होगी, ठीक है, तो उसके लिए भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके सेंटर से यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया, उसके बाद ऑफसेट ले लिया 750, इधर ऑफसेट इधर ऑफसेट। अब इसका हमें सेंटर निकालना होगा एक्यूरेट विंडो बनाने के लिए, ठीक है, तो ऑफसेट ले लिया और 230 का हाफ 115 एंटर, और एक ऑफसेट लेके अंदर की तरफ ऑफसेट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा इसका सेंटर वाला वॉल आ गया। इसके बाद हम सेंटर लाइन को डिलीट कर देते हैं और एक लाइन और ड्रॉ करते हैं इसके सेंटर से लेकर के और इसके सेंटर तक, फिर इधर भी इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक। इसके बाद एक्सटेंड कमांड लेंगे, डबल एंटर, इस लाइन को इस आउटर वॉल पे एक्सटेंड कर दिया, इधर भी एक्सटेंड कर दिया। अब इन दोनों लाइंस को हम डिलीट कर देते हैं और जितने भी एक्स्ट्रा लाइंस है उनको हम ट्रिम कर लेंगे। ठीक है, TR double enter, इसे ट्रिम किया, इसे भी ट्रिम किया, इसे भी ट्रिम किया, और इधर इसे ट्रिम कर दिया और इसे ट्रिम कर दिया। ये सेंटर में हमारी विंडो की लाइन आ गई है। अब इसके बाद फिर अब आउटर जो सेल बनाना है वो 115 का सेल हम बना लेंगे, ऑफसेट कर लेंगे 115 इधर 115 इधर। अब इसको हम मैच करा लेते हैं सेल से आउटर लाइंस को, इस लाइन को आप डिलीट कर दो। इसके बाद फिर हमें अब विंडो लेना है तो ऑफसेट ले लेंगे 100 का, इधर से 100 और इधर से 100, ये हमारी विंडो हो गई। फिर इसको हमने मैच करा दिया, विंडो से मैच हो गई, ये रूम हो गया, रूम की विंडो हो गई, इसमें डोर के लिए स्पेस हमने छोड़ दिया। इसके बाद कुछ हम पॉलीगन रूम्स बना लेते हैं, तो उसके लिए हम कुछ सर्कल यहाँ पे पहले बना लेते हैं फिर पॉलीगन रूम्स बनाएंगे। तो फिर से हम सर्कल के लिए सी एंटर यहाँ पे क्लिक करके, और 3000 का डायमीटर लेना है हमको, डायमीटर पे क्लिक कर देते हैं और 3000 हमने ले लिया। 3000 डाया का एक सर्कल बन गया, ठीक है ना। तो इस सर्कल को हम किसी और कलर से कर देते हैं ताकि कुछ मतलब कंफ्यूजन ना हो, इसको हमने ब्लू कलर से कर दिया, ठीक है ना। अब इसके बाद हम पॉलीगन इस पे ड्रॉ करेंगे, तो आप जाओगे ड्रॉ पैनल में और यहाँ पे रेक्टेंगल जो कमांड है इसके राइट हैंड साइड में एक छोटा सा एरो है, इस पर क्लिक करते हैं और ये पॉलीगन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे आप कमांड बार पे देखो बोलता है कितने साइड्स, ठीक है ना। अगर हमें पेंटागन बनाना है तो हम 5 एंटर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका सेंटर पूछ रहा है कि जो भी पॉलीगन आप लेने जा रहे हैं उसका सेंटर क्या होगा, तो सेंटर वही दे दो, सर्कल का सेंटर ले लिया। जैसे ही हम सेंटर पे क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शंस आता है यहाँ पे कमांड लाइन पे, आप देखेंगे तो इंस्क्राइब्ड या सर्कमस्क्राइब्ड। तो हमें इंस्क्राइब तब होता है जब हम इस सर्कल के अंदर पॉलीगन ड्रॉ करते हैं, तो हमें इंस्क्राइब का ऑप्शन देना होता है। जब इस सर्कल के बाहर आपको पॉलीगन ड्रॉ करना होता है तो आपको सर्कमस्क्राइब का ऑप्शन देना होता है। मैं इसको इंस्क्राइब बना के दिखाती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, कीबोर्ड से टाइप करना आई एंड देन एंटर, ठीक है। पॉलीगन को जिस तरह से चाहो रोटेट करके आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। मैं इसको ऊपर की तरफ रोटेट करके ये बना ले रही हूँ पेंटागन अपना, ठीक है।
अब इसके बाद एक और हम पॉलीगन बनाएंगे, तो उसके लिए हमें इस सर्किल को मूव कराना होगा इधर। तो मूव कराने के लिए कैड में शॉर्टकट की होता है M, ठीक है। तो आप अपने कीबोर्ड से टाइप करना M एंड देन एंटर करना। जिस भी ऑब्जेक्ट को हमको मूव कराना होता है हम उस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद एंटर करते हैं, ठीक है। उसके बाद कहीं भी क्लिक करना और ले जा करके इधर राइट हैंड साइड में यहाँ पे कहीं भी प्लेस कर देना, दोबारा क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये सर्कल आपका यहाँ से मूव हो चुका है। अब इसके बाद इस वाले सर्कल में हम एक और पॉलीगन बनाएंगे जो कि सर्कमस्क्राइब का ऑप्शन लेके बनाएंगे, ठीक है। तो पॉलीगन बनाने के लिए उसका भी शॉर्टकट की आप याद रखना POL, ठीक है। तो हम अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे POL एंड देन एंटर करेंगे, ठीक है। और इसमें हम 6 नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे कमांड लाइन में पूछ रहा है ना, तो आप यहाँ पे 6 कर दो, ठीक है, कर दिया। उसके बाद बोल रहा है कि आप सेंटर बताओ इसका, कि कहाँ से हमें बनाना है। वही सर्कल का सेंटर इस पर ऐसे ड्रैग करोगे अपने आप सेंटर आ जाता है यहाँ पे क्लिक करके। और फिर यहाँ पे वही दोनों ऑप्शंस आ जाते हैं, इंस्क्राइब्ड या सर्कमस्क्राइब, ठीक है। तो आप इसमें अब सर्कमस्क्राइब करने जा रहे हो, तो इसमें सी एंटर कर देना, ठीक है। सी एंटर करते ही अब ये देखो जहाँ पे भी आप रखोगे ना, प्लेस करोगे इसको, तो ये आपका सर्कल के आउटर साइड में पॉलीगन बनाएगा, ठीक है। जैसे भी चाहो रोटेट करके रख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे रख लेती हूँ। इसके बाद सर्कल का कोई काम नहीं है, सर्कल को हटा दो। तो अगर आपको इस तरह का कोई रूम बनाना हो तो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद इन रूम्स में हम वॉल लगा लेते हैं। तो वॉल लगाने के लिए फिर आपको ऑफसेट करना होगा 230 का। तो आप उसके लिए O एंटर करना और 230 एंटर, ठीक है। इसका वॉल आपने ये बना दिया और इसका वॉल आपने ये बना दिया, दोनों ही रूम्स में वॉल लग गए हैं। अब इसको हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा क्योंकि ये तो पूरा पूरा एक पॉलीगन है, ठीक है। तो इसमें फिर हमें डोर लगाना है, तो हमें इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो इसको दोनों को एक साथ ऐसे पकड़ लो, ठीक है, और एक्स एंटर कर देना। एक्सप्लोर हो गई सारी लाइन्स में, है ना, ये भी हो गया। वही रूम्स में हम लोग डोर लगाएंगे। तो डोर लगाने के लिए हम मान लो कि इसमें सेंटर में डोर लगाना है हमको, ठीक है। सेंटर में हमें डोर लगाना है, इसमें भी हमें सेंटर में डोर लगाना है, ठीक। इसके बाद फिर हम लोग विंडो लगाएंगे। तो सेंटर में अगर डोर लगाना है तो फिर वही लाइन कमांड लेंगे, एल एंटर, इसका सेंटर ले लेंगे, नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एस्केप कर लेंगे, ठीक है, कमांड से बाहर आ गए, फिर से एंटर ले लेंगे और साथ में इसका भी करते चले, है ना, बार बार कमांड क्यों लेंगे। तो आपने एक लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ कर लिया, एस्केप कर लिया है, ठीक है। तो आप कमांड से बाहर निकल आओगे। अब इसमें हम 1 मीटर का डोर बनाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, ऑफसेट ले लेंगे 500 का, एंटर कर लेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करके इधर ऑफसेट और इस लाइन को सिलेक्ट करके इधर ऑफसेट, ठीक है। वैसे इधर भी अभी हम कमांड से बाहर नहीं निकले हैं, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, इधर ऑफसेट कर लेंगे, इसे सेलेक्ट करके इधर ऑफसेट कर लेंगे। ये आप ऐसे तब बनाना जब आपके पास कई सारे रूम्स हो, सभी में डोर लगाना हो, ठीक है ना। तो एक ही साथ सबका बनाते चले जाना ताकि बार बार कमांड ना लेना पड़े आपको। इसके बाद हम एस्केप कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ दोनों के सेंटर लाइन्स को डिलीट कर लेते हैं। अब इसको हम ट्रिम करेंगे जो भी एक्स्ट्रा लाइन्स हैं, तो उसके लिए TR डबल एंटर, ये आपने ट्रिम कर लिया, इसे भी ट्रिम कर लिया, इसे भी ट्रिम कर लिया और इसको भी ट्रिम कर लिया, एक साथ दोनों रूम्स की हमने ओपनिंग कट कर ली, ठीक है। तो जब मल्टीपल रूम्स पे आप काम कर रहे हो, बहुत सारे रूम्स पे, तो आप एक साथ सबके डोर और विंडोज लगाते चले जाना है ऐसे ही, ठीक है। क्योंकि बार बार कमांड पिक करोगे, बार बार एस्केप करोगे तो टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। अब इन दोनों ही रूम्स में हम लोग विंडोज लगाएंगे। तो विंडोज लगाने के लिए फिर से हम लाइन कमांड लेते हैं और इस लाइन के मिड पॉइंट से इस लाइन के मिड पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस वाले रूम में हम लोग ऊपर की तरफ विंडो लगाएंगे, तो यहाँ पे भी हम फिर से एंटर करते हैं, लाइन कमांड ले लेता है ये, इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट तक एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम ऑफसेट कमांड लेंगे और 750 डायमेंशन देंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद इधर 750 ऑफसेट और इधर 750 ऑफसेट, यहाँ पे भी इधर 750 ऑफसेट, इधर 750 ऑफसेट। इस सेंटर लाइन को हम डिलीट कर देते हैं, ये भी
इसके बाद में टी आर डबल एंटर, ठीक है, ट्रिम कर लिया, इसको भी ट्रिम कर लिया। इसके बाद हमें यहाँ पे विंडो लगाना है, तो इस लाइन को भी हम वॉल के लेयर में ही रखेंगे। तो इसके लिए फिर से मैच कमांड लेंगे, एम ए एंटर, एंड देन ये लाइन को सेलेक्ट किया, इसको मैच कराया, इसे भी मैच करा दिया, और इधर भी सब मैच करा दिया। यहाँ पे अब हमें विंडो लगानी है, तो विंडो लगाने के लिए लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। लाइन कमांड लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ किया, फिर एंटर किया, दोबारा एंटर किया, एक लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ किया, फिर एंटर किया, उसके बाद फिर एक बार और एंटर किया, ये लाइन ड्रॉ कर लिया, फिर एंटर किया और एक बार और एंटर किया, तो ये लाइन आप यहाँ से ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। एंटर कर दो, आप कमांड से बाहर आ गए। इसके बाद हम अब ग्लास के लिए ऑफसेट करेंगे, तो ओ एंटर और 100 का ऑफसेट लिया, यहाँ से अंदर और इधर से ऊपर, ये हमारा ग्लास की दोनों लाइंस आ गई। यहाँ पे भी हमने ऑफसेट कर लिया, नीचे से ऊपर से भी, तो ये हमारा ग्लास आ गया। अब इन दोनों ही लाइंस को यहाँ से पकड़ेंगे, इन दोनों लाइंस को यहाँ से पकड़ेंगे और इनको लेयर में जाके विंडो में डाल देंगे, ठीक है। तो ये विंडो बन गई दोनों ही रूम्स की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें हम डोर लगाएंगे और डोर की टैगिंग करेंगे और टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रूम्स बनाना, स्क्वायर बनाना, रेक्टेंगल बनाना, सर्कुलर बनाना और डिफरेंट टाइप के पॉलीगन्स बनाना, ठीक है। तो इससे आपकी ये इतनी विंडो की प्रैक्टिस होगी और डोर की ओपनिंग सब में कट करना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।